मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में BSNL की कुल कितनी लाइन व मोबाइल कनेक्शन वर्तमान में उपलब्ध है। यदि इन कनेक्शनों में लगातार गिरावट हुई है तो इस प्रतिस्पर्धा के युग में BSNL को अपना वजूद कायम रखने के लिए कौन कौन से सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं? माननीय मंत्री जी कृपा करके ये बताने का प्रयत्न करें कि किन किन कारणों के चलते BSNL की सेवाएं शाम होने के बाद से ही बाधित हो जाती हैं। कहीं इनकी सेवाओं को बाधित करने के लिए दूसरी निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने का मकसद तो नहीं है? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने आजमगढ़ जिले के बारे में एक संख्या जानने की कही है, वो मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। आजमगढ़ में कितने टावर्स हैं, कितने मोबाइल हैं, उसका डिटेल्स लेकर मैं आपको जरूर भेज दूंगा। लेकिन जहां तक का आपने सवाल किया बाकी गुणवत्ता की कमी के, उसका मैंने विस्तार से उत्तर अवश्य दिया है। लेकिन फ्री रोमिंग हम लोगों ने सुविधा की है, और जो केबल कनेक्टिविटी कॉपर का है उसको फाइबर से कर रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने की बात है, उसमें आज 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी हो गई है। ये सारा काम सफलता से BSNL ने किया है। जो हमारे नेटवर्क ऑफ स्पेक्ट्रम जो पूरे सेना के लिए हम काम कर रहे हैं, वो काम BSNL कर रही है। जो नक्सलाइट इलाके हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी बैठे हैं, पूर्व में गृह मंत्री थे, उनके उस समय के विभाग से कोऑर्डिनेशन करके जितने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज हैं उसमें लगभग 3000 टावर लगा के BSNL ने काम किया है। तो ऐसे कई काम हम लोग कर रहे हैं, आगे भी करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, एक प्रतिस्पर्धा का युग है, प्रतिस्पर्धा में ईमानदारी से प्रतिस्पर्धा हो, ये हमारी कोशिश होगी। श्रीमती रक्षा खड़गे से। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि अभी आपने बताया कि BSNL के माध्यम से काफी कोशिश की जा रही है सरकार के माध्यम से, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि प्राइवेट कंपनी को भी हम आग्रह कर सकते हैं कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में और आदिवासी क्षेत्रों में जाके काम करे, क्योंकि अभी सभी योजनाएं इंटरनेट से जुड़ी हुई है, सब बैंकिंग व्यवस्था इंटरनेट से जुड़ी हुई है, लेकिन ये व्यवस्था न होने के कारण काफी दिक्कत